बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व्यूवर्स, अब जबकि हम अपनी मतलूबा थीम को डाउनलोड कर चुके हैं तो इस वीडियो में व्यूवर्स हम इस थीम को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के साथ साथ हमें जो कैटेगरीज बनानी है वो कैटेगरीज भी हम जनरेट कर देंगे। इस वक्त व्यूवर्स मैं डैशबोर्ड में मौजूद हूँ अपने वर्डप्रेस के और यहाँ से मुझे थीम को इंस्टॉल करना। तो थीम को इंस्टॉल करने के लिए मैं पहले से अपीयरेंस के टैब में जाके थीम्स को सिलेक्ट कर चुका हूँ और अब मुझे एक नई थीम इंस्टॉल करनी है तो मैं इंस्टॉल थीम्स के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। चूँकि ये थीम मैंने अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड की हुई है इसलिए मैं अपलोड के ऑप्शन से इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो व्यूवर्स, चूज़ फाइल के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ और मुझे डेस्कटॉप पे जाना है यहाँ से व्यूवर्स, और डेस्कटॉप के ऊपर मेरा प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट फाइल्स के अंदर व्यूवर्स ये देखिए सेकेंड प्रोजेक्ट फाइल्स और यहाँ पर थीम, और ये हमारे पास वो थीम मौजूद है। मैं इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करता हूँ व्यूवर्स, और साथ साथ व्यूवर्स हम अपनी कैटेगरीज भी डिसाइड कर लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये एक चूँकि फ़नी इमेजेस की वेबसाइट है व्यूवर्स, यहाँ पे हमारे पास एक एरर जो है वो आ रहा है कि द पैकेज कुड नॉट बी इंस्टॉल्ड बिकॉज द फाइल इज़ अ RAR फाइल। जी हाँ व्यूवर्स, ये एक RAR फाइल है, जबकि जब भी आप अपने वर्डप्रेस पे कोई थीम इंस्टॉल करते हैं वो लाजमी तौर पर एक zip फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो व्यूवर्स, इसे zip फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली इस पैकेज को मुझे पहले अनजिप करना है। तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर के ऑप्शन से ताकि तमाम फाइल्स अनजिप हो जाए। अब इस RAR फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरे किसी काम की नहीं, और इस फाइल को मैं zip फाइल में कन्वर्ट करने के लिए राइट क्लिक करके ऐड टू आर्काइव करता हूँ और यहाँ से zip का ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। और लीजिए व्यूवर्स, अब ये फाइल zip होकर मेरे पास मौजूद है, इसलिए इस ओरिजिनल थीम को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि zip में भी मेरे पास वही कॉन्टेंट्स मौजूद हैं जो कि ओरिजिनल फाइल में मौजूद है। और व्यूवर्स, इतना करने के बाद मैं दोबारा से अपने डैशबोर्ड पर जाता हूँ और यहाँ से मैं थीम्स को दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ और इंस्टॉल थीम के ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड करता हूँ यहाँ से थीम को, और चूज फाइल के बटन पर क्लिक किया और ये देखिए हमारे पास zip फॉर्मेट में थीम मौजूद है। इंस्टॉल नाउ के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया तो व्यूवर्स थीम हमारी जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ और एक्टिवेट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे फ्रंट एंड पे आऊँ व्यूवर्स, तो देखिए कि हमारे पास फ्रंट एंड पे रीलोड करने पर उस थीम का जो बेसिक लेआउट है या जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे पास जो है विजिबल हो जाना चाहिए। देखिए व्यूवर्स, इस वक्त चूँकि कोई भी पेज हमारे पास मौजूद नहीं है, कोई भी पोस्ट मौजूद नहीं है, इसलिए वो थीम हमें ये ऑप्शन देके गो टू एडमिन पैनल एंड क्रिएट अ मेन्यू टू शो हेयर, यानी हमें मेन्यू जो है वो डेवलप करना है। तो लेकिन मेन्यू डेवलप करने से पहले व्यूवर्स हमें इस वेबसाइट के अंदर कैटेगरीज डेवलप करनी है, तो हम कुछ कैटेगरीज डिसाइड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे व्यूवर्स, हम फनी चिल्ड्रन या फनी बेबी पिक्चर्स, फनी एनिमल पिक्चर्स और व्यूवर्स मिसलिनियस फनी पिक्चर्स, ये हम तीन कैटेगरीज बनाएंगे और इन तीन कैटेगरीज के तहत जो हम अपनी पोस्ट या पिक्चर्स को इसमें जो है ऐड करेंगे। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में व्यूवर्स हम मेन्यूज क्रिएट करेंगे और उससे पहले हम कैटेगरीज क्रिएट करेंगे।